नमस्कार, मैं मेघा कौशिक स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आपके मुख्य द्वार से आपकी खुशियों का आगमन होता है, तो इसका सही होना बेहद जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे आपके प्रवेश द्वार की, आपके मुख्य द्वार की किस दिशा में हो आपका प्रवेश द्वार, साथ ही किन बातों का ध्यान रखें, और इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। शो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं मुख्य द्वार इतना महत्वपूर्ण क्यों है वास्तु के अनुसार। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, वास्तुदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, किसी भी घर में, किसी भी फ्लैट में, किसी भी ऑफिस में, शोरूम में कहूं, मेन डोर अर्थात प्रवेश द्वार का विशेष महत्व होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर, ऑफिस, फ्लैट, शोरूम का जो मेन डोर है, मुख्य द्वार है, वहां की जो पोजीशन है, स्थिति है, उसका सीधा रिलेशन उस घर में रहने वाले लोगों से, उस ऑफिस में काम करने वाले लोगों से, उस शोरूम के मालिक की सामाजिक, मानसिक, आर्थिक स्थिति से होता है। आपके घर, आपके ऑफिस, आपके शोरूम का जो मेन डोर है, मुख्य द्वार, यदि वास्तु सम्मत है, वास्तु दोषों से मुक्त है, तो घर, ऑफिस, शोरूम में सुख समृद्धि, रिद्धि सिद्धि हमेशा बनी रहती है, सभी प्रकार के मंगल कार्यों में वृद्धि होती है। घर परिवार, ऑफिस के लोगों में आपसी सामंजस्य बना रहता है। और अगर आपके घर का, आपके ऑफिस का, आपके शोरूम का मेन डोर, मुख्य द्वार यदि गलत है, वास्तु सम्मत नहीं है, वास्तु दोष युक्त है, तो नाना प्रकार की आर्थिक, मानसिक, शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमारी लाइफ के अलग अलग पहलू है, जैसे कहें कि सुख समृद्धि, पारिवारिक उल्लास, हमारी उन्नति, हमारी तरक्की, हमारे विकास के नए अवसर, जिन राहों से गुजरकर हम तक पहुंच पाते हैं, वो राहें महत्वपूर्ण तो हैं। मेन डोरी तो वो रास्ता है जहां से घर में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है, लक्ष्मी आती है, गणेश जी आते हैं, कुबेर आते हैं। मेन डोर, मुख्य द्वार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके घर का, आपके फ्लैट का, आपके शोरूम का। हमारे मानव शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियों में जो महत्वता हमारे मुख की है, मुंह की है, वही महत्वता किसी भी घर के, किसी भी शोरूम के, किसी भी ऑफिस के मेन डोर की होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने शोरूम में खुशियों को आमंत्रित करना चाहते हैं, तो आपको आपके प्रवेश द्वार को, मेन डोर को वास्तुसम्मत बनाना होगा। तो जल्दी से कागज कलम पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज मैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में बताने जा रहा हूं कि वास्तु के अनुसार आपके घर का, आपके ऑफिस का, आपके शोरूम का मेन डोर, प्रवेश द्वार कैसा होना चाहिए। सबसे पहली चीज, मुख्य द्वार पूर्व दिशा और उत्तर दिशा को देखता हुआ सबसे शुभ माना जाता है। दिशाएं कैसे देखते हैं, इसको बहुत संक्षेप में समझा देता हूं। आप घर से या ऑफिस से या शोरूम से अगर बाहर निकल रहे हैं, तो अगर सामने पूरब पड़ता है तो आपका ऑफिस पूरब देखता हुआ है, अगर सामने उत्तर पड़ता है तो उत्तर देखता हुआ है, अगर पश्चिम पड़ता है तो पश्चिम देखता हुआ है, और दक्षिण पड़ता है तो दक्षिण देखता हुआ है। तो सबसे शुभ जो माना जाता है आपका ऑफिस, आपका फ्लैट, आपका घर, आपका शोरूम, या तो नॉर्थ फेसिंग हो या ईस्ट फेसिंग हो। मुख्य द्वार 4 भुजाओं की चौखट वाला होना चाहिए। पहले चौखटे हुआ करती है, आजकल तो वो भी खत्म कर दी है। दहलीज जिसको कहते हैं, मुख्य द्वार में दहलीज अवश्य होनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। मुख्य द्वार की जो चौड़ाई है, विड्थ है, उसकी ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। घर का मुख्य द्वार, मेन डोर छोटा होना चाहिए। पीछे का दरवाजा बड़ा होना आर्थिक परेशानी का घातक बनता है। मुख्य द्वार को खोलते ही, मेन डोर खोलते ही सामने अगर सीढ़ी होती है तो बहुत नेगेटिव एनर्जी आती है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपके जो मेन डोर है, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे फ्लैट का हो, चाहे घर का हो, चाहे शोरूम का हो, हमेशा अंदर की ओर खुलने चाहिए।
क्योंकि बाहर की ओर खुलने वाले दरवाजे नेगेटिव एनर्जी फ्लो करते हैं। मेन डोर खोलते समय, बंद करते समय किसी भी प्रकार की चरमराहट की जो आवाज है वो शुभ नहीं मानी जाती है। और एक और महत्वपूर्ण बात, घर, ऑफिस, शोरूम, फ्लैट, तीन दरवाजे एक सीध में नहीं होने चाहिए। एक सीध में अगर होता है तो उस घर के अंदर कभी भी बरकत नहीं होती, लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। आपने नया घर बनाया है तो नए घर के मुख्य द्वार में किसी भी पुराने घर की चौखट काम में मत लीजिएगा। दरवाजे कड़ियों की लकड़ी का प्रयोग आपको नहीं करना है, पुरानी लकड़ियां कभी भी प्रयोग नहीं करनी है। मेन डोर में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। मुख्य द्वार का आकार आयताकार रखिए, सभी कोण आड़े, तिरछे, न्यून या अधिक कोण ना होकर समकोण हो। आजकल डिजाइनर डोर चल गए हैं, कहीं से टेढ़ा है, कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचा है, त्रिकोण है, गोल है, वर्गाकार है, बहुभुज की आकृति है। इस तरह के जो डोर होते हैं वो कभी भी शुभ नहीं माना जाते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मेन डोर को बना के रखिए, क्योंकि मुख्य द्वार आपके घर की सुख शांति समृद्धि को सीधा प्रभावित करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, तो मुख्य द्वार का वास्तु हम आपको बता रहे हैं। और अगर आप घर में चाहते हैं खुशियां, किस्मत खोलना, धन की कमी को खत्म करना, शादी विवाह सब कुछ, तो मुख्य द्वार के वास्तु पर ध्यान दीजिएगा और पूर्व और उत्तर दिशा में होना चाहिए आपका मुख्य द्वार। अगर नहीं है तो क्या वास्तु उपाय करें वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर ले लेते हैं। सोनी जी गुजरात से जुड़ गई हैं, बेटे के लिए जानना चाहती हैं 10/9/2010 डेट ऑफ बर्थ बताती हैं पंडित जी, और ये 3:02 का दोपहर का समय बताती हैं। सोनी जी स्वागत है आपका, समस्या बताएं। जी जय माता दी। जय माता की बेटा। जी बाबा मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी पढ़ेगी और सक्सेस करेगी या नहीं अपने लाइफ में। अभी किस में पढ़ रही बेटा? जी अभी तो वो LKG में है। देखो बेटा, सोनी आपकी जहाँ तक जो बच्ची है अभी तो बहुत छोटी है, 8 साल की बच्ची है। और इसकी जन्म कुंडली में जो सबसे अच्छी बात है, इसके भाग्य स्थान में सूर्य स्वग्रही होकर बैठा है। सूर्य और बुध दोनों साथ बैठे हैं, सूर्य बुध जब साथ होता है तो बुध आदित्य योग बन जाता है, वो भी भाग्य स्थान में। शुक्र स्वग्रही है, गुरु स्वग्रही है, एजुकेशन हाउस का मालिक मंगल भी अच्छा है। आपकी 7 पीढ़ियों के अंदर कोई बच्ची इतना नहीं पढ़ी होगी जितनी ये बच्ची अपनी एजुकेशन सेक्टर के अंदर पढ़ेगी। उसके साथ साथ ये बच्ची जो है इतनी भाग्यशाली है कि आपके घर के अंदर लक्ष्मी का रूप बन के आई है। इस बच्ची की पढ़ाई के अंदर, शिक्षा में कोई कमी मत छोड़िएगा। इस बच्ची को एक बात है, सिर्फ राहु इसके दिमाग में बैठा हुआ है। राहु मतलब सर्प, सर्प कैसे चलता है, टेढ़ा चलता है। तो ऐसे बच्चों में उच्चाटन देखा गया है, कॉन्फिडेंस की कमी देखी गई है। यदि आप इस बच्ची को थोड़ा सा प्रमोट करें, इसको विश्वास दिलाएं कि बेटा आप कर सकते हो, आपको करना है, तो सफलता इसके कदमों को चूमेगी। और ये बच्ची जो है इसकी वजह से आपका जो सिर है वो हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा। जिस घर में भी जाएगी लक्ष्मी का रूप बन के जाएगी। पिता के लिए, माँ के लिए, सबके लिए बहुत भाग्यशाली बच्ची है। आप इसकी शिक्षा को लेकर चिंतित मत होइए। एक सरल सा उपाय जो करना है, दो उपाय करने हैं। एक तो इस बच्ची के वजन के बराबर गुड़ का दान हर साल आपको करना है गौशाला में, जब भी इसका जन्मदिन आए। दूसरा उपाय, इस बच्ची को गायत्री मंत्र का जाप याद करवा दीजिए, सुबह 11 बार और शाम को 11 बार गायत्री मंत्र का यदि जाप करती है तो निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में कभी भी किसी भी तरह की रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ता है। जी तो सोनी जी आपकी बेटी बहुत भाग्यशाली है और बहुत अच्छा भविष्य रहने वाला है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आगे पंडित जी हमारे पास कॉल तो आते ही हैं, मेल भी बहुत सारे आते हैं। विकास जी का कॉल ले लेते हैं, ये दिल्ली से कॉल मेल कर रहे हैं, बेटी के लिए जानना चाहते हैं। हाल ही में उनकी बेटी हुई है 18/9/2018 को और 5:45 का समय है, दिल्ली का ही बर्थ प्लेस है। ये फ्यूचर जानना चाहते हैं, साथ ही में नाम जानना चाहते हैं, किस अक्षर पे नाम रखें। सबसे बेटा तो विकास आपको घर के अंदर लक्ष्मी जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो गुड़िया पैदा हुई है लक्ष्मी का रूप है, वास्तव में लक्ष्मी का रूप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र की मादशा में जन्मी है,
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र द्वितीय चरण का इसका जन्म है, तांबे का पाए का इसका जन्म है। इस बच्ची का जो नाम आया है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में धा पे धारणा धारी धरती वाला जो ध है धारिता धारणा उसके ऊपर इस बच्ची का नाम आया है। धनु राशि है, भारत वाला भ पे भी आप नाम रख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपको नाम वही रखना है जो इसकी राशि हो। धनु राशि के ऊपर जो भी शब्द आपको मिलता है भारत वाला भ धारणा वाला ध धरती वाला ध इसके ऊपर आप इस बच्ची का नाम रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके भाग्य स्थान में शुक्र स्वग्रही होकर बैठा है, मांगलिक कुंडली है, मंगल उच्च का होकर 12th हाउस के अंदर बैठा, पिता के घर का स्वामी मंगल उच्च का होके द्वादश भाव में बैठा। इस बच्ची के जन्म के पश्चात में आपको आपके कैरियर के अंदर चार चौगुनी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। बाकी इसकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी, किसी भी तरह का कोई दोष नहीं, एक सर्प दोष है लेकिन बहुत छोटी, जब बड़ी हो जाएगी तब सर्प दोष की विधि विधान पूर्वक इसकी पूजा करवा लीजिएगा। चूंकि इसका बुध अस्त है, कोशिश ये कीजिएगा कि हर साल इसके जन्मदिन पे इसके वजन के बराबर गुड़ का दान करना, और अभी भी विशेष तौर पे कोशिश कीजिएगा सबसे पहले कोई भी बुधवार आए 11 किलो गुड़ लेके गौशाला के अंदर जाके गायों को खिला दीजिएगा। हरे कपड़े खूब पहनाइएगा, हरे ओढ़ने उड़ाइएगा, हरी चादर पे सुलाइएगा। बाकी ओवरऑल ये बच्ची जो है एजुकेशन वाइज लक वाइज एवरीथिंग इज वेरी गुड, नथिंग टू वरी। तो विकास जी आप खुशियां मनाइए, आपके घर में वैसे ही बेटी हुई है और बहुत भाग्यशाली है आपकी बेटी। आगे बढ़ते हैं, कॉल लेते हैं पंडित जी, गीता जी का कॉल लेते हैं, फरीदाबाद से ये जुड़ गई हैं और बेटे के लिए जानना चाहती हैं। 21/12/1995 डेट ऑफ बर्थ बताती हैं और 5:25 का सुबह का समय। गीता जी स्वागत है आपका, सवाल करें अपना। राम राम गुरु जी। राम राम बेटा। हाँ जी, मेरे बेटे ने बीटेक तो पढ़ाई कर रहा था, बीच में छोड़ दिया, इस समय वो खाली है, उसके पास कोई काम नहीं है, और उसको क्या काम करवाएं कि जो कि उसका भविष्य अच्छा बने, इधर उधर घूम घूम फिर के टाइम पास करता है अपना। हाँ जी, आपने तो बेटा इसका ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म है उसकी पूजा करवाई थी क्या? हाँ जी करवाई थी। ठीक है बेटा, अब सबसे बड़ी समस्या क्या है इस बच्चे के साथ में, एक तो इसके भाग्य स्थान का जो स्वामी है चंद्रमा वो नीच का होके इसके दिमाग पे इसके लग्न में इसकी सोच के घर में बैठ गया, एक तो लक फैक्टर का सपोर्ट नहीं मिलना, दूसरा इसकी सोच, जहाँ चंद्रमा नीच का होके बैठ जाता है वहाँ सोच गलत करवा देता है, राहु द्वादश भाव में बैठ के सर्प दोष बना रहा है। ऐसे बच्चों को जुआ सट्टा लॉटरी गलत संगत से बचना चाहिए, किसी की जमानत गारंटी नहीं लेनी है। सर्पदोष इसकी जन्म कुंडली में है, उसकी भी विधि विधान पूर्वक उज्जैन जाकर एक बार पूजा करवा दीजिएगा। कपड़ों से संबंधित काम इसको नहीं कराना है, सफ़ेद चीज़ों से संबंधित काम इसको नहीं कराना है, लोहा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल मोबाइल इस तरह का काम यदि ये करता है अपने स्वयं के नाम से तो निश्चित तौर पर ये एक सफल व्यापारी बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि भाग्यश नीच का है तो उसको ठीक करने के लिए जो बच्चों के गले में चांदी का चंद्रमा पहनाते हैं छोटे छोटे, ऐसे 8 चंद्रमा खरीद लाना, हर सोमवार को इस बच्चे के नाम से या तो आप कर लीजिएगा या इस बच्चे के हाथ से करवा दीजिएगा। पास में जो भी शिवलिंग हो, शंकर भगवान का मंदिर हो, वहाँ रोज हर सोमवार को जाकर शिवलिंग के ऊपर एक एक चांदी का चंद्रमा अर्पण करना है, छाछ से या दूध से या पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करना है, और ये प्रार्थना करनी है कि कुंडली के मध्य जो दोष है चंद्रमा का वो दूर हो, शुभ परिणाम प्राप्त हो। इस तरीके से 8 सोमवार तक ये उपाय कीजिएगा, निश्चित तौर पर बच्चे के आचार में विचार में व्यवहार में काम में हर तरह का आपको फर्क दिखाई देगा। उम्मीद है आपकी समस्या का हल आपको मिल गया होगा। दर्शकों तो हम आपकी समस्या का हल तो बता ही रहे हैं, साथ ही आज बात कर रहे हैं वास्तु के, यानी मुख्य द्वार का वास्तु कैसा होना चाहिए। ये तो बात कर ली कि उत्तर और पूर्व दिशा में मुख्य द्वार होना चाहिए, लेकिन अगर आपका मुख्य द्वार उत्तर या पूर्व दिशा में नहीं है या फिर किसी तरह का वास्तु दोष है तो क्या कुछ उपाय करें, चलिए वो जान लेते हैं। आइए अब जान लेते हैं आपके घर के मुख्य द्वार के वास्तु दोषों को बगैर तोड़फाड़ के। तोड़फाड़ नहीं करनी पड़े तो ऐसे क्या सरल उपाय हैं? कागज कलम आप लेके बैठे होंगे आशा करता हूं, लिखते जाइए क्योंकि ये लगभग हर घर के अंदर प्रॉब्लम रहती है। रविवार को सूर्योदय से पूर्व दरवाजे के सम्मुख नारियल के साथ कुछ सिक्के किसी लाल कपड़े में बांधकर लटका दीजिए, सारे दोष दूर हो जाते हैं। पश्चिम दिशा का जो द्वार दोष होता है वो दूर होता है। बुधवार को या गुरुवार को 7 कोड़ियां धागे में बांधकर लटका दीजिए मेन डोर पर,
अगर आपका घर साउथ फेसिंग है, दक्षिण दिशा देखता हुआ है, तो साउथ फेसिंग डोर का द्वार दोष दूर हो जाता है। घर में पॉजिटिविटी फ्लो करवाने के लिए हर गुरुवार को पीले पुष्पों की माला, ताजे पुष्पों की माला दरवाजे पर लगाइए। निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा, श्री हरि का, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। मुख्य द्वार के ठीक सामने आशीर्वाद मुद्रा में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति अथवा तस्वीर लगाने से भी दक्षिण दिशा की ओर मुख्य द्वार का वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपका ऑफिस, शोरूम या घर या फ्लैट जो है, वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर वो साउथ देखता हुआ है, तो वहां पर बैठी हुई अवस्था में आशीर्वाद देती हुई मुद्रा के अंदर पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर वहां पर लगा दीजिए, सारा दोष स्वतः ही दूर हो जाएगा। मेन डोर के ऊपर पंच धातु का पिरामिड लगाने से भी मेन डोर से संबंधित, दिशाओं से संबंधित जितने भी दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। घर के मुख्य द्वार पर घंटियों की झालर लगाइए, घंटियों की झालर लगाइए। इससे क्या होता है, घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का फ्लो नहीं होता है, पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर बनी रहती है। देखिए, तो घर के वास्तु दोष, ये जो प्रवेश द्वार के वास्तु दोष हैं, वो खत्म करने के लिए घर के ही उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं। बहुत सरल उपाय हैं, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आप इसे करके भी देखेंगे। आगे भी आपको उपाय बताएंगे, साथ ही आज का पावर मंत्र भी आपको देंगे। लेकिन यहाँ छोड़े जाते हैं एक ब्रेक के साथ और साथ ही साथ आज के पंचांग के साथ। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं मुख्य द्वार यानी आपके घर के प्रवेश द्वार के बारे में, कैसा हो उसका वास्तु और किस तरफ हो, ये तो जान लिया। अब जान लेते हैं वास्तु दोष किस तरह से खत्म किए जा सकते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि मेन डोर आपके घर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर मेन डोर में, मुख्य द्वार में कोई दोष है, तो ऐसी क्या सिंपल रेमेडीज है, बगैर तोड़फाड़ के ऐसे कौन से सरल उपाय जिनसे हम हमारे घर के मुख्य द्वार के दोष को दूर कर सकते हैं, हमारे शोरूम के मुख्य द्वार के दोष को दूर कर सकते हैं। मुख्य द्वार पर क्रिस्टल बॉल हैंगिंग करिए, उसको क्रिस्टल बॉल लटकाइए। मेन डोर पर लाल रंग का फीता अवश्य बांधिए, वो भी जितनी भी नेगेटिविटी होती है उसको दूर करता है। यदि घर का द्वार खोलते ही सामने सीढ़ी हो, अगर स्टेयर सामने हो, तो वहां सीढ़ी के ऊपर ऑब्स्ट्रक कर दीजिए उसको, या तो कोई पर्दा लगा दीजिए या कोई उसको किवाड़ लगा के उसको बंद कर दीजिए। सीधी सीढ़ी जो होती है वो कभी भी शुभ परिणाम नहीं देती है। मुख्य द्वार के दोनों तरफ अगल में बगल में ऊपर जो है वहां पर रोली, कुमकुम, हल्दी, केसर इत्यादि एक कटोरी में घोल कर उसे स्वस्तिक का शुभ चिन्ह बना दीजिए। मुख्य द्वार यदि वास्तु के विरुद्ध हो, तो उस द्वार पर तीन मोरपंख स्थापित कीजिए, मोरपंख स्थापित कर दीजिए। मुख्य द्वार के दोनों तरफ बाहर की तरफ, मेन डोर के बाहर की तरफ दोनों साइड में संध्या समय में मिट्टी के दीपक में घी की बत्ती जलाइए, निश्चित तौर पर सब नेगेटिविटी दूर होती है। वही मेन डोर के पास में केले का पौधा और तुलसी का पौधा एक साथ लगाने से सभी वास्तु दोष दूर होते हैं। और साथ में एक महत्वपूर्ण उपाय और छोटा सा बता देता हूं, अगर आपका घर साउथ फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहती है,
तो वहाँ पर दो बांसुरी लगा सकते हैं। बजाने वाली जो बांसुरी होती है, बाहर वी शेप के अंदर जो बजाने वाला मुंह होता है वो नीचे की तरफ रहता है। सेलो टेप से उसको चिपका दीजिए, वी शेप बना दीजिए और उसके नीचे से आप क्रॉस कीजिए। ये आप शोरूम में भी कर सकते हैं, आपके फ्लैट में भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। तमाम तरह के जो वास्तु दोष हैं उन सभी से मुक्ति मिलती है। जी तो बिल्कुल, तुलसी का पौधा, केले का पौधा लगाएं, वास्तु दोष को एकदम से भगा दें। दर्शकों, आज का आपको पावर मंत्र भी देंगे अगर आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो। लेकिन उससे पहले पंडित जी कॉल ले लेंगे। दिनेश जी का कॉल लेते हैं, भीलवाड़ा से जुड़ गए हैं और 7 जनवरी 1984 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, 7:15 का सुबह का समय। दिनेश जी स्वागत है आपका, समस्या बताएं। प्रणाम पंडित जी। जय श्री कृष्णा। जी श्री कृष्ण। मेरा एक सवाल था, मैं एक भवन निर्माण करवा रहा हूँ जो उत्तर से पश्चिम की तरफ 15 डिग्री है, तो उसको उत्तर मुखी मानेंगे? उसमें वेस्ट कितना डिग्री आ रहा है और नॉर्थ कितना डिग्री आ रहा है? नॉर्थ से पश्चिम की तरफ 15 डिग्री है। हाँ, तो वो नॉर्थ फेसिंग ही माना जाएगा। नॉर्थ फेसिंग ही माना जी। नॉर्थ दूसरा सवाल, हाँ। दूसरा सवाल ये था साहब, हाँ। कि मेरा कहीं पैसा रुका हुआ है, हाँ हाँ। तो वो कब तक मिल जाएगा? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 7 जनवरी 1984। समय सुबह 7:15। सुबह 7:15। देखिए, गुरु की मादशा राहु का अंतर आपको चल रहा है पिछले 2 साल से। जुलाई 2016 से आपको गुरु की मादशा राहु का अंतर चल रहा है। इसको बोलते हैं हम चंडाल योग। हर काम के अंदर रुकावट, हर काम में अड़चने। ये चंडाल योग आपका ख़त्म होगा 27 नवंबर 2018 के पश्चात में। 27 नवंबर 2018 को गुरु की मादशा भी खत्म हो रही है, चंडाल योग भी खत्म हो रहा है। तत्पश्चात में शनि की मादशा शुरू होगी, 19 साल के शनि की मादशा। चूंकि शनि आपके जन्म कुंडली के अंदर उच्च का होकर बैठा हुआ है, फाइनेंशियल हाउस का, धन भाव का जो मालिक है शनि, वो उच्च का होकर लाभ स्थान में बैठा है। निश्चित तौर पर नवंबर 2018 के पश्चात यानी 2019 से आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू हो रहा है। लेकिन अगर आपने आपकी कुंडली पहले कहीं दिखाई हो तो इस कुंडली में मंगल शनि की युति बनी हुई है। मंगल शनि की जो हार्डनेस होती है, दोनों अगर साथ बैठ के क्लब होकर बैठ जाते हैं तो ऐसे जातकों को या तो शारीरिक या आर्थिक या मानसिक या दाम्पत्य जीवन से जुड़ी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अपने यहाँ पे खेजड़ी का पेड़ होता है, खेजड़ी के पेड़ के नीचे या खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष शनि मंगल की विधि विधान पूर्वक शांति करवा दीजिएगा। 2019 से आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और आज का पावर मंत्र भी जान लेते हैं। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु का दिन, उनका जो स्वरूप है बड़ा शांत है, आनंदमयी है, जगत का पालन करने वाले देवता माने जाते हैं। भगवान विष्णु का नियमित रूप से स्मरण करने से हमारी लाइफ के जितने संकट हैं, कष्ट हैं, रोग हैं, दोष हैं, उन सब का नाश होता है, धन वैभव सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक महामंत्र अगर आप रोज बोलें, इस मंत्र को आप अपने दैनिक जीवनचर्या का, डेली रूटीन का हिस्सा बना लें तो आप रहेंगे टेंशन फ्री, रोजाना जियेंगे टेंशन फ्री लाइफ। तो आइए आपको रोजाना हर वक्त तरोताजा रखने वाला एक बड़ा ही छोटा सूक्ष्म चमत्कारिक मंत्र बताने जा रहा हूं। आपके टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आएगा, आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। ओम श्री लक्ष्मीपते नमः। ओम श्री लक्ष्मीपते नमः। ये बड़ा सरल सा मंत्र है। स्नान के पश्चात घर के देवालय में पीले या केसर वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल स्नान के पश्चात केसर, चंदन, सुगंधित पुष्प, तुलसी की माला, पीताम्बरी वस्त्र, कलेवा, फल चढ़ाकर पूजा कीजिए। केसरिया भात, खीर, दूध से बने पकवान का भोग लगाइए। धूप दीप जलाकर पीले आसन पर बैठकर तुलसी की माला से जो मैंने मंत्र आपको बताया है, 1, 3, 5, 11 माला का पाठ कीजिए। यश, प्रतिष्ठा, उन्नति की कामना कीजिए। पूजा और मंत्र जप के पश्चात में भगवान की धूप दीप से, कपूर से आरती कीजिए। देव स्नान कराया जल चरणामृत के रूप में ग्रहण कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, फिर अपने कार्य की शुरुआत कीजिए। निश्चित तौर पर टेंशन फ्री दिन गुजरेगा, उसके साथ में सफलता भी आपके कदमों को चूमेगी। तो आज 27 सितंबर है और आज जन्म दर्शकों का साल कैसे रहने वाला है ये भी चलिए जान लेते हैं। हमारे जिन दर्शकों का जन्मदिन है, सबसे पहले उनको फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे, सदा प्रसन्न रहने का आशीर्वाद प्रदान करे। नया साल अच्छा रहेगा,
क्रोध अहंकार से अपने आप को दूर रखिएगा, उन्हें दोस्त मत बनाइएगा, फाइनेंशियल लॉसेस से बचिएगा और अपना किसी भी काम, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें 100% देने का प्रयास कीजिए। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। पंडित जी स्टूडियो में आने के लिए, समस्याएं सुलझाने के लिए शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज के लिए हमारे प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।